लोग चलते हैं, एंजॉय करते हैं, चलिए। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे। तो यार आज हम जा रहे हैं विमल कोट मंदिर, जो कि पड़ता है धौलचीना में, और अल्मोड़ा से जो धौलचीना का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 35 किलोमीटर है। तो चलते हैं यार, और काफी मतलब मस्ती करेंगे आज, और देखते हैं क्या होता है आगे को। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं धौलचीना की मार्केट में। तो ये रहा यार यहाँ धौलचीना, यहाँ से है 14 किलोमीटर। वैसे हमें इस गेट से अंदर जाना है, वैसे जो यहाँ का चौक पड़ता है तो यहाँ से सेरा घाट है 42 किलोमीटर, बाकी आगे जागेश्वर धाम है। जागेश्वर यहाँ से 16 से 17 किलोमीटर पड़ता है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं धौलचीना में, और यहां पे लिखा हुआ है पर्यटन नगरी धौलचीना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलते हैं, और वैसे यार मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूं, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और जो मंदिर है वो भी काफ़ी ऊंचाई पे है, तो वहां से भी बहुत सारा व्यू देखने को मिलेगा। और यार धौलचीना में एक ख़ास बात ये भी है कि यहां सारी दुकानों में एक जैसे रंग करे हुए हैं, आप लोग देखिए सब में एक जैसे रंग करे हुए हैं, ये एक जैसे कलर करे हुए हैं यहाँ पर्दा, देख रहे हो दुकानों में। हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं विमल कोट, और सभी साथी हमारे साथ हैं, और हम खूब सारा एंजॉय करेंगे। क्या करेंगे? एंजॉय एंजॉय बस इतना ही कहना है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं जाते टाइम, और अभी आपको दिखाएंगे सब चीजें, और खुद भी अनुभव करेंगे और आपको बताएंगे। थैंक यू। तो यार गाइज अभी पंकज भाई भी आ रहे हैं, हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं, तो वो भी आने वाले हैं हमारे साथ में। इनका गांव भी थोड़ा सा आगे पड़ता है, तो इनको भी अभी ये भी आ रहे हैं हमारे साथ, तो ये भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो मिलते हैं अभी इनसे। तो फाइनली पंकज भाई आ चुके हैं यहाँ पे। अरे बेटा चश्मा वश्मा पहन के गजब एंट्री मारी है इन्होंने। तो यहाँ से जाना है हमें ऊपर, यहाँ से अराउंड 4 किलोमीटर ऊपर मंदिर है, तो चलते हैं हम। दोस्तों बहुत दिनों बाद आज फिर से एक बार ट्रैकिंग कर रहे हैं, लगभग 1 किलोमीटर लंबा सफर है, ट्रैकिंग कर रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं सभी भाई लोग। पांडुखोली के बाद फिर हम वहाँ भी गए थे, हमने क्या कहते हैं शीतला खेत में गली, और उसके बाद आज कर रहे हैं। सभी भाई लोग चलते हैं, एंजॉय करते हैं, चलिए। सो गाइस फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और नीचे दुकान से यहाँ तक का जो रास्ता है वो लगभग 4 किलोमीटर है, बाकी ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है, तो बाइक वाइक के लिए तो काफ़ी बढ़िया है बाइक स्कूटी। तो चलते हैं यार ऊपर को, स्टार्टिंग करते हैं, और 1 किलोमीटर का ट्रैक है, तो देखते हैं कैसा रहता है। और बाकी मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे है, मैं चलता हूँ और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो ये रहा मंदिर का मेन गेट, चलते हैं हम यहाँ से अपना, और देखते हैं कैसा रहता है। बाकी तो यार मेरे को तो मंदिर नीचे काफ़ी अच्छी सारी वाइब्स आ रही हैं, और मौसम भी काफ़ी बढ़िया है। बाकी साथ वाले हमारे आगे निकल चुके हैं, हम थोड़ा वीडियो बना रहे थे नीचे, तो ये सामने हैं, पहले हम इनको ज्वाइन करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो यार वैसे तो इस मंदिर के 2 गेट हैं, पहला वाला गेट है जिससे हम आए, वो थोड़ा सा लॉन्ग है, और सेकंड थोड़ा सा आगे है गेट, बट हम मेन गेट से जा रहे हैं। तो यार वैसे मैं आज सुबह अपना व्लॉग डाला था, तो यार अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, सुबह 9 बजे से डालने में लगा हूँ, अभी 12 बज चुके हैं। तो यार पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, शायद नेट का कोई इशू आ रहा है, नेट सही से चल नहीं रहा है, तो व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है अभी तक। खैर कोई नहीं, अभी वैसे 2 या 3
तीन चार बजे तक तो आ ही जाएगा, तो वो व्लॉग भी आप लोग देखना, इससे जस्ट पहले का व्लॉग है। तो इस ट्रैक में आपको अखरोट देखने को भी मिलेंगे। अच्छे सही है, खाते हैं इसे, टेस्ट करते हैं कैसा होता है। बाकी यार मैं आप लोगों को एक बार सामने का व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही ऊंचाई पे है मंदिर, तो पूरे बादल तक दिख रहे हैं। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं मंदिर, और ये रहा मंदिर का मेन गेट, तो चलते हैं। कृपया इसको ऐसे खोलें बाहर को, अब ऊपर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं वेमलकोट मंदिर, और बहुत ही प्यारा मंदिर है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं यहां से। और यहां से यार व्यू काफी बढ़िया आता है। यहाँ पे शक्तिपीठ वेमलकोट, पहले आपको यहाँ से दिखा देता हूँ मैं नीचे को। ये देखिए बहुत ही प्यारा व्यू है, और काफ़ी, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि ये मंदिर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो गेट के पास पानी भी है, काफ़ी ठंडा पानी है यहाँ पे। बाकी ये रहा कुछ, चलते हैं पहले मंदिर में चलते हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए थे, और अभी हमने टीका विका लगा दिया है, जैसा कि आप मोहित भाई पे देख रहे हो, साजी पे देख रहे हो, हमारे सौरभ सर भी हैं। और हम लोग तो हाँ पहली बार ही आए हैं। अच्छा, तो बना लेते हैं फिर, आप पंडित जी कह रहे हैं तो फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा इस चीज का। नहीं नहीं, हमारा जो हम आए हैं, हमारा तो ठीक है। तो वो यहाँ पे माँ बजरंगबली का भी मंदिर है, पूजा पाठ होगी आपके। आपको मैं सामने से दिखाता हूँ एक बार। तो ये रहा बजरंगबली का मंदिर, यहाँ पे भी काफी बढ़िया मूर्ति है बजरंगबली की। जो हमारा टीका है का मतलब लग चुका है, और यहाँ पंडित जी ने एक बहुत ही, मतलब आप लोग भी जब आएंगे तो पंडित जी हमेशा चाय के लिए या फिर कुछ बनाने के लिए, मतलब जैसे कि आलू पकौड़े वकौड़ी, तो अभी हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे पंडित जी हैं, और हमारे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम जहाँ मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का भी हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस रह रहा है। तो देखते हैं, और हमें मतलब चीज़ें बनानी हैं, तो हम अभी आलू बना रहे हैं, तो देखते हैं कैसे बनते हैं, और सब कुछ हम ही ने करना है, पंडित जी सिर्फ सामान देंगे, और देखते हैं कैसा रहता है। तो यार बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है, और आप लोग नीचे को देखिए, छोटे छोटे पहाड़ भी दिख रहे हैं, लास्ट में बड़े बड़े पहाड़ हैं, और सामने बादल ही हैं, तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। ये देखिए आप लोग, बाकी मैं आप लोगों को उधर साइड भी दिखाता हूँ। दिखाते हैं लोग। तो यार पहले यहाँ चलते हैं, पीछे साइड का भी काफी बढ़िया है व्यू। तो इधर पे कुछ इस तरीके का है, और सामने कुछ घंटियां, ये तो ये रहा। और यार आप लोग सामने का व्यू देखो, कितना मस्त व्यू आ रहा है, बादल भी लाइन बारी एक एक करके सब ये लगे हुए हैं। तो हमें जाना है यहाँ से नीचे, और यहीं हम आलू और चाय पंडित जी अपने कमरे पे बना रहे हैं, और हम यहाँ बनाएंगे आलू। तो यार अभी पंडित जी हमारे लिए चाय भी लेके आया था, चाय काफ़ी बढ़िया बनी है, और यहाँ पे हमारा खाने आने का पूरा, अभी हम आलू ये क्या तुरई ये सब कुछ बना रहे हैं अभी। बाकी हमारे भाई लोग भी बैठे हैं, बाकी हमारी दरी वरी भी आ गई हैं, तो देखते हैं यार आगे का कैसा रहता है। वैसे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी ये सब्जी बनेगी और पूरी भी बनेगी। ये साजी काट रहे हैं सब्जी, और सौरभ सर आटा गूंद रहे हैं, तो अभी पूरी और सब्जी खाएंगे बड़े करके। यार ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही मजा आ रहा है। बाकी भाई लोग
सब्जी पूरी और अभी हलवा भी बनेगा। बाकी हमने चाय पी यहाँ की, काफ़ी बढ़िया चाय रही, क्योंकि जो यहाँ की तुलसी है वो मेन ऊपर पहाड़ों की है, तो तुलसी देखने में काफ़ी मतलब अच्छी भी लगी। बाकी यार मैं व्लॉग अपना जो मैं अपलोड कर रहा था वो 90% पे अटका हुआ है, मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। वैसे तो यूट्यूब में कोई भी वीडियो देख रहा हूँ तो वो चल रही है, बस मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है यार अभी, तो देखते हैं यार कब तक अपलोड कर पाता हूँ। और यहाँ पर अभी सब्जी बनने के बाद पूरी बननी है, बाकी पूरी हमारे पंकज दा बना रहे हैं, बाकी खन्नी भाई भी पूरी हेलो गोल 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 घुमा रहे हैं, बननी है इनकी भी पूरी, बढ़िया बननी है। और बाकी हरदा भाई भी बना रहे हैं यहाँ पे, अभी हलवा भी बनना है ना इसके बाद। तो दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि जो मैंने पूरियां बनाई है वो बड़ी कड़क बननी है और काफी मजा आने वाला है, सभी को ऐसा लग रहा है, सभी के चेहरे देख के एकदम उस पूरी के लिए कितने उत्साहित है, लेकिन उनमें से कई लोग वंचित रह जाएंगे खाने से। राहुल भाई तो है नहीं, लेकिन आप वैसे भी आप खुद का नाम ही लेकर किसी और का ले रहे हैं, इसका मतलब आप भी उसमें हैं। इसको खाने के लिए किस्मत चाहिए कहाँ है, इसके भाग में आएगी, देखते हैं आगे के शो में किसके भाग में आती है। तो यार यहाँ पे बन रहा है हलवा और पूरी भी लगभग बनी चुकी है, और इसके नीचे है सब्जी, सब्जी भी बन चुकी है, और पहले भोग चढ़ाना है हलवा, और उसके बाद पंडित जी के लिए अलग से निकाल देना है। पहले पंडित जी ने पहले से ही बोला हुआ था कि अलग से कर देना पहले ही, तो पहले आप पंडित जी को देते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी हमने प्रसाद दे दिया है पंडित जी को, बाकी हम अभी खा रहे हैं और हरदा बांट रहे हैं सभी को, तो मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में खाने के बाद। तो गाइस हमारा भंडारा हो चुका है हम 8 जनों का, और यार सामने में काफ़ी मतलब बढ़िया लग रहा है व्यू, काले काले बादल हैं सारा चारों तरफ, और बाकी यार सामने धूप पड़ रही है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे जंगल पे पड़ रही है, रोशनी भी दिखाई दे रही है, ये देखिए आप लोग। तो यहाँ पे मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो चुका है, अब लग रहा है बारिश होने वाली है, देखते हैं नीचे को चल के। तो गाइस यार बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस ऑसम रहा, और अभी हम मंदिर से नीचे को जा रहे हैं। यार खाना और सब कुछ प्रोवाइड कराना बहुत बड़ी बात होती है, तो पंडित जी ने हमें चाय भी पिलाई और साथ में इतना बढ़िया खाना हुआ, खाना हमने खुद बनाया, बर्तन वर्तन भी सारे हमने खुद ही धोए। तो यार अभी पहले मंदिर से नीचे चलते हैं और मंदिर से नीचे मिलते हैं आपको अभी। सो गाइस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों में फैलाएं, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले और हम भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।